जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। बाढ़ से उत्तर प्रदेश के कई जनपद बेहाल हैं और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं सीतापुर का हाल। और सीतापुर में दरअसल घाघरा नदी तो उफना चुकी है, शारदा नदी उफना चुकी है, लेकिन गोमती नदी किस तरीके से उफना रही है इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। और मेरी मौजूदगी इस समय ठीक गोमती नदी की बीच धारा में है और बीच धारा का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नदी उफना रही है। और देखिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे आपको वो तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में नैमिष का विकास है। और नैमिष के विकास जिस स्थान पर कराया जा रहा है वो कैसे कुंड डूबते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुंडों तक पानी पहुंच चुका है और वो उसमें काफ़ी हद तक कुंड डूब रहे हैं। यहाँ पर जो सत्संग हाल बनाया जा रहा है, पानी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। अगर इसी तरीके से जलस्तर गोमती नदी का बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर ये जो आसपास के जो विकास कार्य है ये फिलहाल डूब सकता है। और आपको ये सीधी तस्वीरें आई इंडिया लगातार दिखा रहा है गोमती तट की बीच धारा से। नैमिषारण्य का ये राजघाट है और राजघाट से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और इसी राजघाट के मुख्य पुजारी जो आरती कराते हैं यहाँ पर कृष्ण कुमार दीक्षित, वो मौजूद हैं हमारे साथ और आपको यहाँ का हाल बताएंगे कि गोमती नदी जब अगर और उफनाएगी तो क्या स्थिति बनेगी और फिलहाल क्या स्थिति बन चुकी है। कृष्ण कुमार दीक्षित जी, जानना चाहेंगे जो ये निर्माण कार्य राजघाट पर हो रहे हैं, पहले आप बताइए क्या क्या हो रहे हैं। यहाँ पे मंडप हाल है, 11 वेदियाँ आरती की हैं। इसके पहले लोहे की 11 वेदियाँ हमने बनाई थी, फिर हमने शासन से मांग की तो 11 वेदियाँ जो बनाई गई, लेकिन ये तो पूरी पानी में डूब रही हैं क्योंकि आने वाले समय में जब इसमें ऐसे ही रहेगा तो हम लोग आरती कैसे करेंगे। ये तो पूरा आप लोग देख पा रहे हैं, जल में डूब गई हैं। और 8 दुकानें बनी हैं, कैंटीन है और 2 सुलभ शौचालय बने हुए हैं, इतना निर्माण यहाँ पे है। और 2 राम झूला, लक्ष्मण झूला के नाम से पुल को भी सुना जा रहा है, वो भी बनने का है। इसलिए ये पूरा बहुत तेज़ी से बाढ़ चल रही है, माँ आदि गंगा गोमती उफना रही हैं और जो है आसपास के गांव भी संकट में पड़े हुए हैं। और ऐसे ही रहा तो हमारा बंधा के उस पार भी एक वर्ष हमने देखा था इसी बाढ़ आई कि लोग उधर मरना शुरू हो गए डूब के। बंधा के उस पार 7 लोग हमारे सामने, बहुत छोटे थे, वो बाढ़ आई थी उस टाइम, बंधा के उस पार 7 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए। लोग जहाँ जो भी आते देश विदेश से हजारों की संख्या में यहीं पर स्नान करते हैं, यहाँ कोई दुरुस्त यहाँ पर व्यवस्था हो चुकी नहीं है, ना जल पुलिस की है। ये व्यवस्थाएँ जरूर की जाए लोगों की सुरक्षा के लिए। जय श्री राम। मैं प्रधान पुजारी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष, चेन्नई मिसारण। जय श्री राम जी। अच्छा, ये जानना चाहूँगा जो आपका ये राजघाट है, राजघाट की अगर बात करें तो राजघाट की मान्यता क्या है? ये यहाँ पे राजा मनु जो है स्वयं स्नान किया है, इसलिए इस घाट का नाम राजघाट है। यहाँ पे राजा मनु ने स्नान करके और 23,000 वर्ष इसी गोमती के किनारे एक पैर से खड़े होकर तप किया है, जो व्यासपीठ के सामने मनु और शत्रुपा गोमती के समीप ही है। उन्होंने यहाँ पे स्नान करके जो मानव शरीर फर्स्ट पृथ्वी पे राजा मनु और रानी शत्रुपा जिनसे भई न श्रेष्ठ अनुपा, 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होके यही इसी नैमिषारण्य में तप किया। भगवान कृष्ण अवतार प्रकट हुए और बोले नारायण
आपका जो इच्छा चाहे कुछ याचना करिए। राजा मनु राजा महाराजा थे, बोले याचना करने की कोई इच्छा नहीं, बोले नहीं कुछ ना कुछ आपको इस भूमि पे जरूर याचना करनी होगी। तो बोल दिया ठीक है, तुम समान मतलब भगवान के समान ही पुत्र होना अपने घर में मांगते। वही अगला अवतार अयोध्या में हुआ, वो उनके पिता दशरथ बने, वो माता कौशल्या बनी और चार भाइयों के रूप में जन्म लिया। यहाँ एक गुना जो दान करेगा, एक पग पैदल चलेगा, चार गुना पुण्य मिलेगी। अंत पापम गतो दिवसम नैमिष पापम वज्रलेपम, अंत का पाप यहाँ से मोच होता है, यहाँ का पाप वज्र के समान है। तो ये अष्टम वैकुंठ है और बड़ी भाग्य है आप लोगों का सहयोग से ये सब सनातन को बढ़ावा हो रहा है, ऐसे ही होता रहे। ये बताइए अगर विकास कार्यों की बात करें तो इस समय योगी सरकार क्या करा रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कुछ कराया था? नहीं, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे नैमिषारण को बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट दिया है, बहुत अच्छा निर्माण चल रहा है। लेकिन अब ये बाढ़ आ गई है तो इसको, ये तो भगवान की लीला है, इसमें कोई क्या कर सकता है। निर्माण कार्य तो इस टाइम खैर बंद ही है, अब बाढ़ जब वापस जाएगी तभी कुछ आगे का कार्य होगा। लेकिन लमसम 80% कार्य यहाँ राजघाट का हो चुका है, 20% रह गया है वेदियों के ऊपर कलश और ग्रिल और पुताई वगैरह, ये रह गई है और बाकी कार्य सब लगभग हो गया। 20% काम यहाँ का रह गया है राजघाट का। देखिए 20% कार्य रह गया है राजघाट का, ये कहना है यहाँ के मुख्य पुजारी का। हम फिर एक बार आपको उस नज़ारे को दिखाना चाहेंगे, हमारे ठीक पीछे आप उस नज़ारे को देख सकते हैं जो ये वेदियाँ हैं हवन की, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पानी में डूबी हैं। और ये जो गोमती है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक देखिए पानी आ रहा है, ये गोमती नदी में पानी इतना भर गया है कि अब ये इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि गोमती नदी अगर उफनाती है तो नैमिषारण, जैसा कि पूर्व में चक्रतीर्थ तक पानी जा चुका था और पहले भी गोमती जो है नैमिष में काफ़ी टांडो मचा चुकी है और फिर से एक बार टांडो मचाने को आतुर दिखाई दे रही है। तो हम सीधी तस्वीरें आपको उसी राजघाट पर, राजघाट से दिखा रहे हैं नैमिषारण के, जहां पर जल भराव बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहां पर गोमती नदी के उफनाने से ये राजघाट पूरा आपको डूबता हुआ यानी कि धीरे धीरे करके दिखाई दे रहा है। वेदियां जो हैं वो डूबती हुई दिखाई दे रही हैं और जो है यहाँ पर अभी आपको और भी ले चलेंगे और फिलहाल ये मनोहारी दृश्य भी कह सकते हैं और दूसरा यहाँ की हकीकत भी कह सकते हैं। पहला आई इंडिया टीम है जो अभी तक पहुँची हुई है यहाँ का हालचाल लेने के लिए। एक बार फिर से पुजारी जी से ही जान लेते हैं, क्या पहले कोई आया है यहाँ हालचाल लेने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। ये बहुत सौभाग्य की बात है, आई इंडिया से हमारे पंकज भैया जी इस पे ध्यान दिया राजघाट की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद देते आई इंडिया को हैं और ऐसे सनातन को बढ़ावा हो, सनातन धर्म की जय हो, आई इंडिया बहुत ऊंचे जाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद और आशीष है नैमिषारण धाम से। धन्यवाद। तो देखिए स्थानीय और भी हमारे साथ जानकार मौजूद हैं और जो नैमिष को बड़े बखूबी ढंग से जानते हैं। इस तरीके का नज़ारा पिछले साल भी हुआ था जी? पिछले साल मेरे ख्याल से इतनी बारिश नहीं हुई थी, इतनी बाढ़ नहीं आई थी, इस बार ये स्थिति थोड़ा भयावह है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि 22 तारीख से सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो अब सुरक्षा के दृष्टि से गोमती के जो घाट हैं उन पर प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। जैसा कि अभी पुजारी जी कह रहे थे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और बाहर से श्रद्धालु आ ही रहे हैं स्नान करने के लिए, मान लीजिए कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक तो जलस्तर बढ़ रहा है, ये तो खतरनाक संदेश है ही है आसपास के ग्रामीणों के लिए, साथ साथ नैमिषारण तीर्थ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये व्यवस्था की जाए। क्योंकि अब सावन के महीने में लाखों की संख्या में प्रत्येक सोमवार को रविवार को लोग आएंगे कांवर को जल चढ़ाने के लिए, तो ऐसे में अगर ये प्रशासन अभी से ही सतर्क नहीं होगा तो मेरे ख्याल से व्यवस्था करना भी कठिन होगा। क्योंकि जब तक घाट दिख रहे थे तो वहाँ पे व्यवस्था करना थोड़ा सुविधाजनक था, अब और कठिनाई होगी तो प्रशासन को अभी से ही सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए सावन मास में बड़ा महत्व बढ़ जाता है, चूँकि कांवड़िए यहाँ से
जल लेकर के जलाभिषेक के लिए जाते हैं और पूर्व में घटना भी हो चुकी है। तो ऐसे में चूंकि गोमती उफना गई है, अभी से एहतियातन तौर पर जिम्मेदारों को कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। और हम लगातार आपको नैमी शरण की हकीकत को दिखा रहे हैं, यहाँ के यहाँ पर जो बाढ़ जैसी स्थिति बनती जा रही, जो गोमती का जल बढ़ा है। अब ऐसे में नैमी शरण को बड़े करीब से, बड़े सलीके से जो कवर करते आ रहे हैं आई इंडिया के स्थानीय संवाददाता सुनीत पांडे, वो मौजूद हैं। कई सालों से वो देख रहे हैं इस त्रासदी को, बाढ़ की और गोमती के उफनाने को भी देखते आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपको नज़ारा दिख रहा है गोमती का, जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए? सर, पहले तो आपको बता दें, ये जो जिस हिसाब से इस बार गोमती का जलस्तर बढ़ रहा है, काफ़ी ख़तरनाक है। क्योंकि इससे पहले जो जिस हिसाब से इस समय जलस्तर बढ़ा, इससे 2012 में ऐसी स्थिति आई थी, तब चकतीत भी डूब गया था और गोमती में भी लगभग पूरी हद तक घाट डूब गया था। उस समय अखिलेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो विकास कराए गए थे पूर्व सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर पूरे डूब गए थे। इस बार भी सरकार को जो सरकार के द्वारा जो विकास कार्य हो रहे, काफ़ी तेज़ी से विकास कार्य चल रहा है, वो भी अगर जिस हिसाब से इस समय जल बढ़ रहा है, अगर इसी हिसाब से जल बढ़ता रहेगा तो कल तक वो पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा और कई उनके प्रोजेक्ट डूब जाएंगे। दूसरी, सर आपको बता दें कि 22 तारीख से देवेश्वर घाट पर जहाँ पर सावन शुरू हो रहा है, और पहला ही सोमवार है, गोमती वहाँ पर तो काफ़ी जल बढ़ चुका है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे में है, तो उस वहाँ पर जलस्तर काफ़ी, गोमती का काफ़ी ज़्यादा है। एक बार वहाँ पर लगभग तीन वर्ष पहले वहाँ पर एक कांवड़ियों की डूबने से मौत भी हो गई थी। तब कांवड़ियों ने रोड को जाम कर काफ़ी वहाँ पर रोडों पथराव भी किया था, कई गाड़ियों को तोड़ा भी था, तो काफ़ी मौन मनोबल के बाद वो समस्या ख़त्म हुई थी। अगर इस बार भी वहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे वहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था या डूबने के लिए वहाँ पर कोई उपाय नहीं किए गए सुरक्षा के नाते, तो कोई बड़ी हादसा हो सकती है। क्योंकि गोमती के साथ से आपसे जल पड़ रहा है, सुबह से कम से कम इस समय तक लगभग 6 से 7 मीटर गोमती का जल ऊपर बढ़ चुका है। देखिए, ये बड़ी बात निकल करके आ रही कि सुबह से 6 से 7 मीटर जल गोमती का ऊपर बढ़ चुका है। गोमती नदी के दूसरी तरफ आपको एक सामने दिखाते हैं, अगर दिखा पाएँ कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो पुल आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा है, ये पुल दरअसल ये वही पुल है गोमती का, जहां से सीतापुर और हमारे ठीक पीछे और हरदोई के लिए रास्ता जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये नज़ारा देखिए आप, पुल से आपको दूर तक नज़र आ रहा होगा, अब पता चल रहा होगा कि गोमती का जलस्तर कितना बढ़ चुका है और कैसे बढ़ रहा है। पेट तो पूरा भरी गया है, फैलाव हो रहा है। सुबह जब लोगों ने देखा तो जलस्तर कम था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं गोमती का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दिक्कत इस बात की है, आशंका इस बात की है कि 2012 में भी यहाँ के लोगों ने त्रासदी झेली है, तो उनको ये डर सता रहा है कि यदि इसी तरीके से जलस्तर बढ़ा तो जो तबाही मचाई थी चक्रतीर्थ पर, कहीं वैसी तबाही फिर से ना आ जाए, या जो दुर्घटना घटी थी जब यहाँ से कांवड़िए जा रहे थे उसमें मौत हो गई थी, फिर हंगामा हुआ था, तो वैसी नौबत ना आए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ के लोगों में अब खड़े हो रहे हैं, और उन्हें डर सता रहा है कि अगर यही सब कुछ रहा तो निश्चित तौर पर यहाँ नैमिष क्षेत्र में दिक्कत आने वाली है। और इसी आशंका को यहाँ के लोग जो जानकार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, और जो प्रशासन है उनसे मांग कर रहे हैं कि वो इंतज़ाम करे और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो परेशानी आगे चलकर आए भी तो वो कम की जा सके। ये मांग यहाँ के लोगों की बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। फिर से उस नज़ारे को हम दिखा रहे हैं, देखिए मेरे ठीक इधर देख सकते हैं राजघाट पर जो बेदियाँ हैं वो कैसे डूब रही हैं। इसलिए हम बार बार नज़ारे को दिखा रहे हैं कि अभी तो बेदी डूब रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये बेदी डूब जाएंगी तो आगे चलकर जो निर्माण कार्य हो रहा था वो भी डूब जाएगा। तो कुल मिलाकर हम सीधी तस्वीरें आपको नैमी शरण के राजघाट से पहुंचा रहे हैं और उफनाई गोमती का हाल दिखा रहे हैं, ताकि जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर कोई हादसा ना हो सके। आने वाले समय में जो सावन माह है, आने वाला है, उसका बंदोबस्त करें, यहाँ जो भव्य आरती होती है उसके लिए इंतज़ाम करें, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करें, और यही मांग स्थानीय पुजारियों की भी है, जानकारों की भी है। और अब आपको आगे भी ले चलेंगे, दूसरे घाट का भी हाल दिखाएंगे कि वो
उसको गोमती नदी, उफनाई गोमती नदी ने कितना डुबो दिया है। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, आगे का भी हाल आपको दिखाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सुनीत पांडे और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।